जी नमस्ते, मैं फिर से एक बार अभिषेक प्लग इन इंडिया से। आज हम लोग कुछ चीज़ें सीखेंगे आपके ईवी के बारे में। ऐसा नहीं है सिर्फ ओला के बारे में, जितने भी ईवी टू व्हीलर्स हैं सबके लिए ये मेंटेनेंस टिप बहुत ज़रूरी है। टिप नंबर वन, 90% व्हीकल में मैंने देखा है कि ये जो वॉल रहता है, ये वॉल में इसका कैप नहीं रहता है। सो ये कैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आपके ये वॉल के इंटरनल पार्ट को, जो कि कॉपर बेस रहता है। गाड़ी धूल मिट्टी में चलता रहता है तो इसके अंदर धूल मिट्टी जाती है और ये वॉल को डैमेज कर देती है। पार्ट वन। पार्ट टू ये है कि ये अगर वॉल डैमेज होता है तो ये वॉल बदलने के लिए आपको ये रिम को निकालना पड़ता है या टायर को निकालना पड़ता है। कोई भी रोड साइड वाला जो भी पंक्चर वाला है वो उसको अगर निकालेगा तो एक तो वो ढंग से नहीं निकालेगा। दूसरी चीज़, इसमें डिस्क ब्रेक अटैच रहता है, तो अगर ये डिस्क ब्रेक थोड़ा भी मुड़ जाता है या बेंड होता है तो आपको बड़ी मुश्किल हो सकती है और एक बड़े खर्चे का कारण हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये ऐसे वॉल कैप आता है, जो ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है या टायर या पंक्चर की दुकान में भी अवेलेबल है। तो जब भी आप हवा भरवाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो ये कैप को लगवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप आगे वाली मुश्किलों से बच सकते हैं। ये इस तरीके से बहुत ईजीली इसके ऊपर लग जाता है, और जब भी आपको हवा भरना है, इसको आपको निकालना है, हवा भरना है, और पंक्चर वाले को बोलना है भाई इसको पहले जैसा था वैसे वापस उसको लगाना है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बहुत ज़रूरी है, जितने भी टू व्हीलर्स है वो गवर्नमेंट से मैंडेटरी है कि उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड टूल है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। वो टूल किट रहता है गाड़ी के बूट स्पेस में या डिक्की में। इसमें दो टाइप के रहते हैं, एक आदमी का टूल किट रहता है जिसके अंदर मलम पट्टी दिया रहता है, जिसका इस्तेमाल किसी को ना पड़े। दूसरा रहता है गाड़ी का टूल किट। सो इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं, S1 का, मैं ओला की बात कर रहा हूँ, बाकी गाड़ियों में भी है, तो रिक्वायर्ड सारे टूल्स इसके अंदर बेसिक टूल दिए रहते हैं। तो इसमें 14 नंबर की एलन की है, 8 नंबर की एलन की है और 14 नंबर का पाना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जब भी आपका रनिंग अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है पर डे, तो एवरी वीक आपको क्या करना है, ये जो व्हील्स के बोल्ट हैं इसको आपको टाइट करना है। ज़्यादा नहीं करना है, जितना हल्का हाथ से हो सकता है उतना करना है, जिससे जो व्हील के जो प्रॉब्लम होते हैं, व्हील निकलना, ये होना, ये नहीं होगा। सो ये 6 व्हील, ये 6 बोल्ट, इसको आपको चेक करना है अगर आपका रनिंग ज़्यादा है। अगर आपका रनिंग कम है तो महीने में एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं। ये टिप्स बहुत काम का है, जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं पहिए निकलने या जो भी है, वो सब इसी वजह से हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी से जब गाड़ी आता है तो ये थोड़ा सा लूज़ रहता है ट्रांसपोर्ट में इधर उधर, और बाकी धक्के खाते खाते ये ज़्यादा लूज़ होता है। ये लूज़ होता है तो 6 का काम 5 बोल्ट को करना पड़ता है, तो उसके वजह से धीरे धीरे वो भी लूज़ होते हैं और पहिए निकलने के चांसेस होते हैं। तो ये सेल्फ मेंटेनेंस का टिप है, बहुत ज़रूरी टिप है। अगर रनिंग ज़्यादा है तो एवरी वीक आप इसको चेक कीजिए। सेम चीज़ आपको पिछले पहिए में भी करनी है, पिछले पहिए में भी सेम एलन की आपको बैठ जाएगी, और इसको ऐसे लगा के टाइट करके आपको इसमें सारे बोल्ट को चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट टिप जो है वो सस्पेंशन के रिलेटेड है। ओला S1 प्रो में काफ़ी बार या वीडियोस में आपने देखा रहेगा कि अगला पहिया निकल गया, सस्पेंशन टूट गया, तो आगे इसमें मोनो सस्पेंशन दिया हुआ है, इसको फिशबोन सस्पेंशन है ये, तो इसमें भी ये बोल्ट दिए हुए हैं जिसमें सेम एलन की लगती है, इसको भी आपको चेक करके टाइट करना है। और ये काम कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, हार्डली आपको आदत हो जाए तो 15 मिनट्स के अंदर आपको पूरा गाड़ी का चेकअप हो सकता है। तो ये होगी एल एन के बाद, अभी ये स्पैनर है जो बैक सस्पेंशन में काम आता है। ये जो पीछे का शॉक ऑब्जर है, इसका 14 नंबर का बोल्ट है, जिसको कि आपको चेक करना है यहाँ से भी और अंदर से भी। सो रनिंग ज़्यादा है तो एवरी वीक आपको ये सब चेक करना है। अगर ये आप करते हो तो आपको कोई मेजर खर्चे, मतलब मेजर डैमेज से आप बच सकते हैं। मेंटेनेंस में अभी तीसरा टिप है कि स्पेशली ओला में 2 चीज़ें और करनी चाहिए जो ज़रूरी है। उसमें से पहले है डिस्क ब्रेक को क्लीन करना है, और दूसरा आपका जो ये इसका मोटर है, इसमें मिड ड्राइव मोटर है, तो ये जो मोटर दिया हुआ है इसमें गंदगी, इसका लोकेशन ऐसा है कि टायर पूरा गंदगी उठा के इसके अंदर फंसा देता है। अभी ये एयर कूल्ड मोटर है लेकिन ये पूरी तरह से कवर्ड है, तो होता क्या है कि जैसे ही इसके अंदर आपकी गंदगी और मिट्टी जैसे आप देख रहे हैं, तो होता क्या है इसके कूलिंग पे अफेक्ट होता है। तो लॉन्ग ट्रिप में या आप डबल सीट जा रहे हैं या काफ़ी उसको रेव कर रहे हैं,
तो दिक्कत होगा कि आपकी मोटर ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको इसको क्लीन करना है। वो कैसे क्लीन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजी तरीका है जी। ये है नॉर्मल पानी घर का, ये रेन वाटर हार्नेसिंग वाला पानी है जिसको हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये बरसात का ही पानी है, हम लोग ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते। सो पहले इम्पोर्टेंट चीज़, आपको इसको प्रेशर वॉश करना मेरे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। जो वॉशिंग सेंटर में प्रेशर वॉश करते हैं उसको, उसमें ज़्यादा प्रेशर रहता है तो चीज़ें ऑयल सील या बाकी सील उसमें डैमेज हो सकता है। तो अभी देखिए ये मोटर का जो सरफेस दिख रहा है उसके ऊपर मैं खाली प्रेशर मार रहा हूँ। अभी देखिए कितना गंदगी है, अभी मैं प्रेशर मारता हूँ। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे उसका कंट्रोलर है तो उसको बचाना है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हाँ, अभी ये पानी तो रेन वाटर हार्नेस्टिंग वाला पानी है और जिस पंप से आ रहा है वो भी सोलर पावर्ड है। अभी आप देख सकते हैं मैंने मोटर को अच्छे से प्रेशर मार दिया है, अभी वो दिखने लगी है कि यहाँ पे कुछ तो मोटर है बोल के। ये फीस जो दिए जाते हैं ये बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। तो अभी मोटर को कूलिंग का इशू नहीं आएगा, मोटर कूल होता रहेगा। फिर से एक बार थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, कनेक्टर को संभालना है। यहाँ पे कनेक्टर है ना, काफ़ी बेटर लग रहा है अभी पहले से, और मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है उसको। डिस्क ब्रेक, तो बेसिकली ये काफ़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है। ये डिस्क है और ये इसका कैलिबर है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ऑयल की प्रेशर से इसके अंदर के जो लाइनर्स है उसको पकड़ लेते हैं और गाड़ी रुक जाती है। तो बारिश में होता क्या है कि इसके ऊपर गंदगी आ जाती है, तो जैसे ही गंदगी आती है तो वो आपके ब्रेक पैड को अफेक्ट करती है, ब्रेकिंग में अफेक्ट करती है, ब्रेक पैड अनइवन हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ब्रेक पैड जल्दी वेयर एंड टेयर होते हैं और ब्रेकिंग में भी प्रॉब्लम आता है। तो जब भी आप कीचड़ से जाते हो एस्पेशली बारिश के दिनों में, तो आपको सिर्फ एक पानी का पाइप लेना है जो घर का नॉर्मल प्रेशर वाला, और उससे ये एरिया में पूरा प्रेशर से पानी मारना है। इससे दो फायदे होते हैं, इसके अंदर फंसी हुई गंदगी निकल जाएगी और जैसे आप ब्रेक रिलीज करोगे या ब्रेक छोड़ोगे तो वो पैड को आपको रिटर्न जाना चाहिए। अगर गंदगी फंसती है तो पैड रिटर्न नहीं जाते और पैड घिसते रहते, उससे आपकी रेंज भी अफेक्ट हो सकती है। सो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे क्लीन करना है। इसके पीछे उसने हाइड कर दिया है कैलिबर्स को, तो आपको कैलिबर्स को धोना है। आप देखिए गंदगी नीचे से आ रही है। बहुत बार आपको ब्लैक कलर का पानी दिखाई देगा, जो इसके जो ब्रेक पैड है वो वेयर एंड टेयर होते हैं तो उससे ब्लैक डस्ट बनता है, उसका काला पानी रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप ये काम करो उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट राइड करके गाड़ी के ब्रेक ज़रूर टेस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। लगे हाथ सस्पेंशन को भी पानी मार दो, जितना गंदगी साफ होगा उतना आपका गाड़ी और अच्छे से परफॉर्म करेगा। जो रैटलिंग नॉइज वगैरह आते हैं तो इससे कम हो जाते हैं। ये हो गया आपका अगला डिस्क ब्रेक क्लीन। आप देख सकते हो ये गंदगी जो अपनी गाड़ी से निकली हुई है। तो ये क्या करती है आपके मोटर में और आपके डिस्क ब्रेक में जाके आपके सिस्टम को ख़राब करती रहती है, तो इसको साफ करना ज़रूरी है। 2 मिनट में देखिए कितना गंदगी आ गया। ये देखिए नीचे पूरा मिट्टी गिर रहा है। वो जान दो, वो गंदा तो नहीं है, इतना मिट्टी है क्या? हाँ, बहुत मिट्टी है। सॉरी।
ये देखिए क्लीन हो गया। जैसे ही मैं आपको अभी गाड़ी यहाँ से हटा के दिखाता हूँ, ये मैं गाड़ी मूव कर रहा हूँ, आप देखिए आपकी गाड़ी से कितनी मिट्टी निकली है। ये मिट्टी है जो अभी अपनी गाड़ी से सब निकली है। ये अगर आप क्लीन करते हो तो आपकी गाड़ी का लाइव परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए और इतना करते रहिए, आपकी ईवी सालों साल आपके साथ चलेगी। ये मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, लेकिन वो मोटर का है ना सर, उसको ज़रूरी है। कर रहे हो आप बैटरी मैट गंदा होता है ना। अभी मेरे पास दो ओकिनावा है, आपको पता है मैं दोनों ओकिनावा का एवरी वीक सर्विस करता हूँ। एवरी वीक मतलब हर संडे सब उसके नट बोल्ट सारे टाइट करता हूँ, ब्रेक ऑयल चेक करता हूँ, स्प्रे करते हो? क्लीन भी करता हूँ, स्प्रे करता हूँ। अभी बारिश में तो ज़्यादा क्लीन करता हूँ। गाड़ी कौन सा भी हो, ईवी रहे या बाइक रहे, ये जो पोर्शन है ये तो गंदा होना ही है। और फाइबर है तो दिक्कत नहीं है, मेटल रहेगा तो करोजिट मट्टी से ना सब ये गल जाता है। मोटर में और डाल रहे हो? हाँ मेरे को लग रहा थोड़ा, लेकिन अभी काफ़ी क्लीन हो गई सर। ये क्या है, मैं जो लास्ट 20 साल से बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस है ही और कुछ नहीं है। और वो मोटर का है ना सर, वही प्रॉब्लम है। गाड़ी ओवर हीट बताती है ना, तो उसको अगर वो एक तो पैक्ड है, मिट्टी घुस जाती है, हवा नहीं लगती है, गर्म हो जाती है, फिर पब्लिक बम मारता है। लेकिन पब्लिक का गलती उनको समझ में नहीं आता है। देखिए थोड़ा सा ही प्रेशर वॉश से कितना क्लीन हो गया, और YouTube पे तो टेम्परेचर का पता नहीं लग सकता, लेकिन मैं अभी इसको बहुत इजीली हाथ लगा सकता हूँ। पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पहले थोड़ा भी चलाने पे काफ़ी गर्म होती थी, अभी तो अभी चलाने के बाद भी मैं इसको आराम से हाथ लगा सकता हूँ। सो क्लीनिंग के बाद में डेफिनेटली इसका टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब जब ये गंदा थी तो ज़्यादा गर्म हो रही थी, अभी क्लीनिंग के बाद में थोड़ा इफेक्ट है इसमें। सो क्लीनिंग के बाद में ये चमचमाती ओला हम लोग इसको एक टेस्ट रन पे लेके जाएंगे, देखेंगे ब्रेक का रिस्पांस कैसा है। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहेगा ब्रेक का। सो गुड टू गो, ये हम लोग अभी ब्रेक जी देखिए, जैसे मैं एक्सलेट कर रहा हूँ काफ़ी स्मूथ राइड हो गई, सब आवाज़ रैटलिंग नॉइज बंद हो गए, ब्रेकिंग भी काफ़ी इफेक्टिव आ रही है जैसे मैं इसको कर रहा हूँ। और अब बस एक 15 मिनट के एफर्ट से आपकी ईवी काफ़ी बेटर फील होगी। आप खुद ये करके मुझे कमेंट में नीचे बताइए कि जब भी आप इसको क्लीन करते हो तो आपको ये कैसी लगती है। दूसरा ये जो टिप है, इसमें से टायर का तो सारे व्हीकल के लिए है, जिस गाड़ी में डिस्क ब्रेक है उसके लिए है, क्योंकि काफ़ी सारी ईवी में आगे में डिस्क ब्रेक रहता है या दोनों ड्रम ब्रेक रहते हैं, तो ड्रम ब्रेक को छेड़ना नहीं है, क्योंकि ड्रम ब्रेक में पानी जाता है तो ब्रेकिंग का इशू आता है। ड्रम ब्रेक में पानी जाएगा तो थोड़ी देर के लिए कम इफेक्टिव होता है ब्रेक। सो ये जो टिप है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क ब्रेक के लिए है। 90% व्हीकल में मिड ड्राइव मोटर नहीं रहता है, वो पहिए में ही मोटर रहता है, उसको हब मोटर कहते हैं। सो हब मोटर को ये प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि वो जैसे घूमता है वैसे अपने आप वो क्लीन होता रहता है। एस्पेशली मिड ड्राइव मोटर में ये दिक्कत है कि उसको कवरिंग रहता है तो कूलिंग नहीं होता है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरत है जी। ये थे कुछ ईवी रिलेटेड टिप्स जिससे आपकी ईवी और अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो आशा करता हूँ आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।